हाय फ्रेंड्स, मु चंदन आपण मानक वेलकम करुच्ची ओडिशा स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को। आसतु आज आम डिस्कस करिबा आरपीएफ कनेस्टबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज आम जीके जीएस डिस्कस करिबा सिलेक्टेड 35 एमसीक्यू रोची जार कि एटा होची पार्ट वन वीडियो। तो समस्ते फास्ट रु लास्ट जाए देखु, वीडियो जमा स्किप करेंगे ना। तो आसतु आ डेरी करवानी, फास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवा। देखु क्वेश्चन कौन कौन जे हु इज कनसीडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जे किए आम संविधान आर्किटेक्ट बा किए आम संविधान प्रणयन करिसंती। राइट आंसर कौन हम जे ऑप्शन ए बी आर आंबेडकर। बी आर आंबेडकर राइट आंसर कौन हो ऑप्शन ए बी आर आंबेडकर। ये बी आर आंबेडकर आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो आर्किटेक्ट बा जे संविधान प्रणयन करिसंती। तो ना होची बी आर आंबेडकर। देखु आउ कौन कौन देखु जे बी आर आंबेडकर आउ कौन करिसंती से ड्राफ्टिंग कमिटी करिसंती। जे बी आर आंबेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी बीआर आंबेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी करिसंती। ड्राफ्टिंग कमिटी केबे हेतला जे 29 अगस्त 1947 बुझा। ड्राफ्टिंग कमिटी केबे हेतला 29 अगस्त 1947 किए करी बीआर आंबेडकर करते मन रखु बुझीगला। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्शंस फॉर लोकसभा आर हेल्ड एवरी 10 इयर्स। ए लोकसभा जो इलेक्शन एटा केते वर्ष को थरे हुए और मैंने समस्त जानी। राइट आंसर होची ऑप्शन ए 5 वर्ष को थरे हुए बुझीगला। जो लोकसभा जो इलेक्शन होची एटा 5 वर्ष को थरे होची। आसतु देखीदबा जे आम इलेक्शन जो लोकसभा जो मेम्बर रहा मिनिमम एज के दरकार। लोकसभा मिनिमम एज के दरकार। मिनिमम एज हो 25। मुझे पचार भी लोकसभा आर्टिकल के लोकसभा आर्टिकल हो 81 है। लोकसभा आर्टिकल हो 81। देखु मुझे पचार भी राज्यसभा केते एज हवा दरकार। राज्यसभा राज्यसभा एज केते हवा दरकार 30। राज्यसभा मेंबर जो होकर एज हवा केते दरकार 30 हवा दरकार। मुझे पचार भी यांकर आर्टिकल के राज्यसभा आर्टिकल के राज्यसभा आर्टिकल हो 80 बुझीगला। लोकसभा मेंबर एज हवा केते दरकार 25। राज्यसभा एज के दरकार 30। आ लोकसभा आर्टिकल हो 81। राज्यसभा आर्टिकल हो 80। मन रखु इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखु। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। ये जीडीपी रो फुल फॉर्म कौन। जीडीपी रो फुल फॉर्म हूँ ऑप्शन बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जीडीपी रो फुल फॉर्म हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बुझीगला। तो मुझे पचार भी जे एबे आम इंडिया रो रैंक केते होची जीडीपी को नहीं केते होची रैंक। जे इंडिया रो एबे रैंक होची 5 रैंक रे होची 5th रैंक रे होची इंडिया बुझीगला। जदि कह टॉप रे किए होची टॉप रे आसो यूएसए। ये जीडीपी रैंक रे टॉप रे होची यूएसए। आम इंडिया रैंक होची केते 5th रैंक रे बुझीगला। आ यार फुल फॉर्म होची कोनो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखु। दादा साहेब फलके अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ। से कह दादा साहेब फलके अवार्ड एट कौ रिलेटेड म्यूजिक ना पीस ना फिल्म्स ना लिटरेचर। राइट आंसर होची ऑप्शन सी फिल्म्स। दादा साहेब फलके अवार्ड गोटे हूँ फिल्म्स रिलेटेड बुझीगला। तो मन रखु
जदि कहा जे फास्ट विनर किए हेल्ला जो दादा से फलके वार्डर फास्ट विनर किए ना भी पकईबारे कि पचार बारे कही हो ना तो मन रखत देविका रानी देविका देविका रानी होती दादा से फलके वार्डर जे कि फास्ट विनर मन रखत आदि कहा जे इंडियाज रो हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा से हूँ दादा से फलके अवार्ड जी सिनेमा रोज कौन सिनेमा बुझीगला ये हूँ सिनेमार हाईएस्ट रैंक रो जो इंडिया जो कह इंडिया रो हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा से ना हूँ कौन दादा से फलके अवार्ड मन रखुद है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखु डेस इज अल्सो कॉल्ड ए क्विक सिल्वर से क्या क्विक सिल्वर कहा जाए क्या कह जाए राइट आंसर हूँ ऑप्शन बी मर्क्यूरी जे मर्क्यूरी को क्विक सिल्वर बोली कहा जाए जदि मुझे पचारि जे मर्क्यूरी रो केमिकल नेम कौन कौन हम यार केमिकल नेम हूँ केमिकल नेम हूँ कौन एच जी रो फुल फॉर्म कौन यहाँ हूँ हाइड्रो गारम है हाइड्रो गारम बुझीगला देखु जे मर्क्यूरी को कौन कह जाए जे मर्क्यूरी को कह जाए क्विक सिल्वर बोली कह जाए यार केमिकल नेम जदि आसो एच जी यार फुल फॉर्म कौन हो हाइड्रो गारम यहाँ आउे कौन कह जाए ये क्विक सिल्वर वो कौन कह जाए लिक्विड सिल्वर भी कह जाए मन रखु लिक्विड सिल्वर बोली कह जाए मर्क्यूरी क्यों बुझीगला सब मन रखु मैंने क्विक सिल्वर क्या क्विक सिल्वर कह जाए मर्क्यूरी को जदि क्वेश्चन आसो लिक्विड सिल्वर क्या कह जाए मर्क्यूरी को ये मर्क्यूरी केमिकल नेम हूँ कौन एच जी जार ना हूँ हाइड्रोकार्बन बुझीगला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखु हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म जे बुद्धिज्म रो फाउंडर किए राइट आंसर हूँ ऑप्शन सी गौतम बुद्ध जे गौतम बुद्ध होंगे बुद्धिज्म रो फाउंडर तो आसतु देखा जे गौतम बुद्ध रो आलियर नेम कौन थी एग्जाम आसे एटा जे आलियर नेम कौन थी गौतम बुद्धर ना अच्छे सिद्धार्थ मन रखु पचारे सिद्धार्थ बुझीगला सिद्धार्थ बुझीगला जे आलियर नेम गौतम बुद्ध कौन थी ना थिला सिद्धार्थ आउ ये कौटी जन्मग्रहण करते लुम्बिनी नेपाल रे मन रखु लुम्बिनी नेपाल रे जन्मग्रहण करते बुझीगला तो बुद्धिजीवी फाउंडर किए गौतम बुद्ध तर आलियर नेम कौन थी सिद्धार्थ आ कौटी जन्मग्रहण करते लुम्बिनी नेपाल रे आहरी ना हूँ कौन गौतम बुद्धंकर ना थी आहरी साक्य मुनि आउ तथागत मन रखत चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इन हुई स्टेट इज एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन लोकेटेड से कौन कौ स्टेट्रे एशिया रो लार्जेस्ट टुलिप गार्डन देखा जाए राइट आंसर हूँ ऑप्शन ए उत्तराखंड मुझे पचार उत्तराखंड रो कैपिटल हूँ कौन ना हूँ डेराडून समस्त जानते ना हूँ डेराडून है उत्तराखंड रो कैपिटल हूँ डेराडून आउट हूँ एशिया रो लार्जेस्ट टुलिप गार्डन ये देखा मिले उत्तराखंड में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखु व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी से कहे जे क्विट इंडिया मूवमेंट जो होता गांधीजी केपे स्टार्टेड करते कौ मसीह राइट आंसर हूँ ऑप्शन ए 1942 स्टार्ट करते बुझीगला आई समय गांधीजी कौन कही
ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସେ ସ୍ଲୋଗାନ କହିଥିଲେ, ଡୁ ଓର୍ ଡାଇ, କର ବା ମର। ଏଇଟା ପଚାରିପାରେ ଯେ ଡୁ ଓର୍ ଡାଇ ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଥିଲେ, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ, କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ, ଯାହାକି 1942ରେ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଇଣ୍ଡିଆ ବିକମ୍ ଏ ସଭର୍ଜନ୍ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅନ୍, ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ହେଇଥିଲା ସଭର୍ଜନ୍ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍, ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ହେଇଥିଲା ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତନ୍ତ୍ର, କେବେ ହେଇଥିଲା। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକେମ୍ ଏ ସଭର୍ଜନ୍ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ହେଉଛି 26 ଜାନୁଆରୀ 1950, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡେଜ୍ ପ୍ରିସାଇଡେଡ୍ ଓଭର୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ବୁଝିଗଲା ଯେ କେବେ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି କିଏ କରିଥିଲେ, ଯେ କିଏ ପ୍ରିସାଇଡେଡ୍ କରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ କିଏ ହେଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା, ବୁଝିହେଲା ଯେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ମିଟିଂ କରିଥିଲେ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ କେବେ କରିଥିଲେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 9, 1946ରେ, ବୁଝିହେଲା କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା, ଡିସେମ୍ବର 9, 1946ରେ, ଡିସେମ୍ବର 9, 1946ରେ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱମେନ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ଏ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଇନ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ, ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ର କିଏ ଫାଷ୍ଟ ମହିଳା ଯିଏକି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, କମଲଜିତ୍ ସାନ୍ଧୋ, ଯିଏକି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ର ମହିଳା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଥିଲେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଟାନ୍ ଥୁଲାଲ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ମାନେ ଅଫ୍ ଡେସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଟାନ୍ ଥୁଲାଲ୍ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମଟା, ଏଇଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରେ ବା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏଇଟା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, କେରଳ, ସେ କେରଳରେ କେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ଅଛି, ଅଟାନ୍ ଥୁଲାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମଟା ହେଉଛି କେରଳର, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା, ଯେ କେରଳର କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ କେଉଁ ଦୁଇଟା ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କଥକଳି କଥକଳି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋହିନୀ ଆଟମ୍, ଏ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ କେରଳର ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, କଥକଳି ଆଉ ମୋହିନୀ ନାଟ୍ୟମ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଇଜ୍ ନେରୋକା କ୍ଲବ୍ ଏସୋସିଏଟେଡ଼, ସେ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନେରୋକା କ୍ଲବ୍ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟ ରହୁଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ଖେଳ ରିଲେଟେଡ଼। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଫୁଟବଲ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଫୁଟବଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼, ନେରୋକା କ୍ଲବ୍ ହେଉଛି ଫୁଟବଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଦେଉଛି ଫୁଟବଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି ବାର ବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡୁରାଣ୍ଟ କପ୍, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଡୁରାଣ୍ଟ କପ୍। ଓ ଫିଫା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଫିଫା ୱାର୍ଲଡ କପ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରବର୍ସ କପ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ କପ୍, ଏସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ, ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଟବଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼। ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫି, ଡୁରାଣ୍ଟ କପ୍, ଫିଫା ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ରବର୍ସ କପ୍, କଳିଙ୍ଗ କପ୍, ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଟବଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼,
मन रखु बुझेगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्स हेज डेस मुनस से कह मार्स रतटा मुनस मुनस अच्छी यार रईट आंसर हूँ ऑप्शन बी हूँ दीटा मुनस अच्छी दीटा मुनस कौन कौन रोचे गोटे हूँ फोबस आ गए हूँ डेमोस फोबस आ गए हूँ डेमोस फोबस आ डेमोस दीटा दीटा मार्स रुन अच्छे बुझीगला आ इम्पोर्टेंट मन रखु जो मार्स को कौन कह जाए रेड प्लानेट बोली कह जाए रेड रेड प्लानेट बोली मार्स को कह जाए मन रखु इम्पोर्टेंट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एमिनेसिया इज ए लॉस ऑफ से कुछ एमोनेसिया इज ए लॉस ऑफ एटा कौ रिलेटेड राइट आंसर हूँ ऑप्शन सी मेमोरी जो एमोनेसिया इज लॉस ऑफ एमोनेसिया एटा हूँ मेमोरी रिलेटेड बुझीगला मन रखु चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद अली जिन्ना वाज कन्फरेड विथ द टाइटल जो मोहम्मद अली जिन्ना जो टाइटल पाई ये टाइटल किए देखो मोहम्मद अली जिन्ना राइट आंसर हूँ ऑप्शन बी एटा हूँ क्वादी आजम क्वादी आजम है कि मोहम्मद अली जिन्ना को टाइटल किए देते ये क्वादी आजम क्वादी आजम बुझेगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात गुजरात रो कैपिटल कौन राइट आंसर हूँ ऑप्शन डी गांधीनगर गुजरात रो कैपिटल हूँ गांधीनगर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखु विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉट इज द वर्ल्ड नहीं नहीं विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉट इज द वर्ड बटरफ्लाई स्ट्रोक एसोसिएटेड से कौन गोटे वर्ड दे बटरफ्लाई स्ट्रोक जो देखा कौ खेल रिलेटेड ये जो वर्डटा देटा कह रिलेटेड कौ खेल राइट आंसर हूँ ऑप्शन ए स्विमिंग ये स्विमिंग रो एसोसिएटेड बटरफ्लाई स्ट्रोक स्विमिंग स्विमिंग खेल रिलेटेड है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी देखु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स वाज साइंड बिटवीन गांधी एंड आंबेडकर दैट ग्रांटेड न्यू राइट्स टू अनटचेबल्स ये कौन कहला जे कौ एग्रीमेंट होता गांधी और आंबेडकर को भितर से ग्रांटेड न्यू राइट्स टू अनटचेबल्स न्यू राइट्स कौन होता अनटचेबल्स कौ एग्रीमेंट होता जे राइट आंसर हूँ ऑप्शन बी पनापेक्ट जो पनापेक्ट होता यदि क्वेश्चन आस पनापेक्ट केबे स्टार्ट होता केबे होता एटा ये हूँ सेप्टेम्बर 25, 1932 मन रखु सेप्टेम्बर 25, 1932 जो पनापेक्ट केबे होता सेप्टेम्बर 25, 1932 बुझीगला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज द पावर ऑफ लेंस मेजर्ड जो लेंस रो जो पावर टा ये मेजर केमती करा जाए राइट आंसर हूँ ऑप्शन बी डायोप्टर जे डायोप्टर रे लेंस रो पावर टा मेजर करा जाए बुझीगला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स से कह साइना नेहवाल ये क्यों खेल एसोसिएटेड राइट आंसर हूँ ऑप्शन सी बैडमिंटन जे साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी जन बुझीगला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होम डेड गांधीजी कन्सीडर एज हिज पॉलिटिकल गुरु बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जे गांधीजी पॉलिटिकल गुरु तक ना कौन थिला राइट आंसर हूँ ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले जे महात्मा गांधी को गुरु किए थे गोपाल कृष्ण गोखले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैसेस से कहे जे जो
प्रेशर ऑफ गैसेस मेजर करने पाई कौन इंस्ट्रूमेंट दरकार हुए? राइट आंसर होची ऑप्शन ए बारोमीटर। ये बारोमीटर सहाय्य रे जे प्रेशर गैस रो जो प्रेशर टा मेजर करा जाए। बुझीगला? चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुसार वाज द सेकंड एम्पेरर फ्रॉम द डेस डायनास्टी। ये कहे जो बिंदुसार ये कौन डायनास्टी रो एम्पर थिले? राइट आंसर होची ऑप्शन बी मौर्य। तो देखंतु ये जो बिंदुसार ये कहार पुओ थिले? ये होची चंद्रगुप्त मौर्य, जे मौर्य डायनास्टी रो फाउंडर। मन रखंतु चंद्रगुप्त मौर्य। बुझीगला? चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्यंकर सन थिले बिंदुसार। ये चंद्रगुप्त मौर्य के जे कि मौर्य डायनेस्टर फाउंडर। बुझीगला? ये फाउंडर थिले, फाउंडर थिले। बुझीगला? चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन। आउ जिनस मन रखु कही देखु, ये जो बिंदुसार जो ग्रीक राइटर ना दे ओमित्रा घाट बोली मन रखु, जे मन रखु जे ओमित्रा घाट ये पकई पारे एग्जाम रे, जे ओमित्रा घाट कहार निकनेम ये बिंदुसार रो निकनेम एडे के दे जे ग्रीक राइटर दे, ग्रीक राइटर जो दे मन रखु। बुझीगला? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रमोजी फिल्म सिटी इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया। से कहे जो रमोजी फिल्म सिटीटा यहाँ कौटे देखा जाए इंडिया रे? राइट आंसर होची ऑप्शन सी हैदराबाद। जे हैदराबाद रे रमोजी फिल्म सिटी देखा जाए। बुझीगला? चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द एट्थ शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आमर जो एट्थ शेड्यूल जो अच्छे से लैंग्वेज केतोटा अच्छे? राइट आंसर होची ऑप्शन सी 22टा। अब 22टा लैंग्वेज अच्छे तो मुझे कही दूची मन रखु, फास्ट हेला सिंधी, फास्ट हेला सिंधी लैंग्वेज के 1967 रे होता गोटा कौ एमेंडमेंट रे? इटा होची 21 एमेंडमेंट रे। बुझीगला? मन रखु टे इम्पोर्टेंट पढ़वे 21 एमेंडमेंट रे होता। तापर देखु तापर कौन होता? तापर होता कोंकणी, कोंकणी मणिपुरी, मणिपुरी और गोटे हूँ नेपाली, नेपाली यहाँ के 1992 रे कौ एमेंडमेंट रे? यहाँ हूँ 71 एमेंडमेंट रे होता। आउ गोटे मन रखु लास्ट रे कौन होता? सांताली, लास्ट रे कौन होता? सांताली, सांताली मैथाली, मैथाली बड़ो और हूँ डोगरी, डोगरी यहाँ के 2003 रे होता कौ एमेंडमेंट? 92 एमेंडमेंट मन रखु, 92 एमेंडमेंट रे। बुझीगला? चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन। पेन होल्डर ग्रीप इज एसोसिएटेड, पेन होल्डर ग्रीप इज यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। से कौन कहला? जे पेन होल्डर ग्रीप इज यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ये जो पेन होल्डर जो नाटा यहाँ कौ गेम रो एसोसिएटेड बा कौ गेम रो आ? राइट आंसर होची ऑप्शन डी टेबल टेनिस। टेबल टेनिस रिलेटेड पेन होल्डर टा होची टेबल टेनिस रिलेटेड मन रखु।
चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज कनेक्टेड विथ कोल्हानाज राज तरंगिणी। से कौच कौन यो कोल्हानाज राज तरंगिणी यहाँ कौ स्टेट को कनेक्ट राइट आंसर होची ऑप्शन डी जम्मू एंड काश्मीर। बुझीगला यहाँ जम्मू काश्मीर को कनेक्ट कोल्हानाज राज तरंगिणी। बुझीगला चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ हेपाटाइटिस। जे हेपाटाइटिसटा रिजल्ट कौन ये ब्लड डिजीज ना इनफ्लेमेशन ऑफ लिवर ना बोन्स डिजीज ना किडनी डिसऑर्डर। हेपाटाइटिस होची कौन ये होची इनफ्लेमेशन ऑफ लिवर। राइट आंसर होची ऑप्शन बी। देखु जदि हेपाटाइटिस हेपाटाइटिस गोटे कौन ना बैक्टीरिया ना गोटे प्रोटोजोआ ना भाइरस। ये होची गोटे भाइरस मन रखु एग्जाम आसे भाइरस। आई जो जंडिस जो कह जाए कि हाँ से जो जंडिस मैंने हेपाटाइटिस जंडिस जंडिस जो पिला हुए जंडिस जो लोक मानते से जंडिस हूँ कौन हेपाटाइटिस। यापाई कौन टीटा भी मैंने गोटे टीका अच्छे हेपाटाइटिस हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस ए सब अच्छे ना कि मन रखु जो हेपाटाइटिस हूँ गोटे कौन भाइरस। राइट आंसर हूँ ऑप्शन बी यहाँ हूँ लिभर को आगे लिभर को ये डैमेज कर दिए। बुझीगला चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आउ कौन कह जाए ये हेपाटाइटिस जंडिस कौन बॉडी पूरा पूरा हलदिया करदेव पूरा हलदिया कर दे बॉडी तो जना पड़ जाए जे जंडिस तो एबे जो हेपाटाइटिस जंडिस हो बॉडी भी हलदिया पड़े ना तो टेस्ट करने पड़े आँखि हलदिया पड़ जा सब टेस्ट कले ही जना पड़ जाए। बुझीगला चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन। देखु हु वाज द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जे मु इंडिया रो फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट तांको नाम कौन। राइट आंसर होची ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। जे फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रो के होचंदी सरोजिनी नायडू माने रखंतु। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन। देखंतु इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द पालीटानो टेम्पल लोकेटेड। से कहे पालीटानो टेम्पल एटा कौटी देखा जाए यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी होची भवनगर रे। जदि कह भवनगर एटा कौ स्टेट रे होची ये होची गुजरात रे होची माने रखंतु गुजरात रे होची। ये जो पालीटाना टेम्पलटा एटा कौटे देखा जाए भवनगर में भवनगरटा कौटे अच्छे गुजरात स्टेट रे अच्छे मन रखु। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एमंग द फॉलोइंग एक्टेड एज एन इंट्रीम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री इन 1966। सॉरी टी बार बार रिपीट होडजस्ट करे। हु एमंग द फॉलोइंग ये फॉलोइंग कर दिंतु रिपीट हो एमंग द फॉलोइंग एक्टेड एज एन इंट्रीम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री 1966। टी एडजस्ट कर दिंतु बाय मिस्टेक प्रिंट हो डबल तर राइट आंसर हो कौन ऑप्शन डी गुलजारीलाल नंद। बुझीगला जे हु एमंग द फॉलोइंग एक्टेड एज एन इंट्रीम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। जो लाल बहादुर शास्त्री डेथ जो 1966 रे हेबा प्राइम मिनिस्टर किए बनले ना हूँ किए गुलजारीलाल नंद। तो राइट आंसर हूँ ऑप्शन डी। बुझीगला चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीएसटी आर देयर इन इंडिया। आम इंडिया रे जो जीएसटी केते टाइप रे अच्छे जर राइट आंसर होची ऑप्शन बी फोर टाइप्स रे अच्छे। आम इंडिया रो जीएसटी ता होची फोर टाइप्स रे। बुझीगला चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी।
जे यूपीएससी रो चेयरमैन को किए अपॉइंटमेंट करी थांती। राइट आंसर होची ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। मन रखंतु जे यूपीएससी रो चेयरमैन ताको अपॉइंटमेंट के करी थांती प्रेसिडेंट करी थांती। बुझेला चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूटेड। कौ टाइम रे जे फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूटेड हेतला। राइट आंसर होची ऑप्शन बी मार्च 2024। मार्च 2024 रे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड हेतला। बुझेला तो आज 35 क्वेश्चन कंप्लीट हेला। आपणकर केते कोन करेक्ट होची आपण माने कमेंट माध्यम रे जणेबे। आ देखंतु आपण पय गोटे टास्क रहीची। देखंतु हुईज लेक इज ए हॉर्स सोय सेप्ड फ्रेश वाटर लेक। जे कौन लेक को हॉर्स सोय सेप्ड फ्रेश वाटर लेक कह जाए। ऑप्शन अंशुपा लेक ना चिलिका लेक ना हीराकुद रिजर्वर ना कांजिया लेक। आपण माने यार राइट आंसर कमेंट माध्यम समस्ते जणेबे। आज सेक्शन आपन को केमिति लागिला आपण माने कमेंट माध्यम जणेबे। भल लागिथिले लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे और सांग मानको सेयार करिवे। रहुचि। थैंक यू।